तो फेसलेस चैनल्स की कैटेगरी में आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग निश लेकर आया हूँ, और ये मेरी गारंटी है कि आज तक मैंने जितने भी निशेज और कैटेगरी के बारे में आपको बताया है, उन सब में ये सबसे इजी निश होने वाला है, जिसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है आज से ही और अभी से ही। और इस निश की ऑडियंस हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और वो भी ना केवल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी ऑडियंस पाई जाती है। और मैं आपको ये अभी तक का सबसे इजी निश क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको इस निश की वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। क्या हुआ, भरोसा नहीं हो रहा तो वीडियो देखते जाओ, हो जाएगा। तो इस कैटेगरी का नाम है स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर निश है यूट्यूब पर। अब इस बात का प्रूफ देखना है तो आप कुछ चैनल देख लीजिए जो सिर्फ स्पेस फैक्ट्स पर लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट्स बनाते हैं, और इनके मिलियंस एंड थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स भी हैं, और वीडियो पर व्यूज भी बहुत अच्छे खासे आते हैं। अब व्यूज आते हैं तो पैसा भी अच्छा खासा बनता ही होगा, बिल्कुल बनता है। हर चैनल महीने का डिसेंट इनकम भी जनरेट कर लेता है एज पर सोशल ब्लेड। तो खाली बिली टाइम वेस्ट नहीं है, पैसा भी है और पॉपुलैरिटी भी। इन वीडियोस पर आप व्यूज देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इस निश की पॉपुलैरिटी का, और आने वाले टाइम में ये पॉपुलैरिटी बढ़ने ही वाली है। जैसे जैसे स्पेस साइंस में नए नए अचीवमेंट्स आते जाएंगे और नई नई ऑडियंस इससे जुड़ती जाएगी, तो स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हो कि हमारे पास तो इस निश की कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हम कहाँ से वीडियोस बनाएंगे और कंटेंट कहाँ से लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट और किसी भी तरह की एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। ये कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको यूज करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पर रोज मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर मेरा चैनल रिव्यू कर दो, व्यूज नहीं आते, चैनल डाउन है, समझ नहीं आ रहा कौन सी कैटेगरी पर काम करूं, ऐसे बहुत सारे सवाल भेजते हैं। अब आप सबको रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे खुद का भी काम करना पड़ता है। लेकिन जो लोग सीरियसली YouTube पर 2024 में आना चाहते हैं और काम करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है ये ऑफर। आप में से जो लोग भी अपना चैनल रिव्यू करवाना चाहते हैं या निश को लेकर डाउटफुल है, व्यूज नहीं आ रहे हैं वीडियोस पर, मोनेटाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर और भी ऐसी कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। ये 30 मिनट्स की गूगल मीट ऑडियो कॉल होगा जिसमें मैं आपका चैनल रिव्यू करूंगा, प्रॉब्लम्स बताऊंगा, सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो बाकी की डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, डीएम कर देना चैनल लिंक के साथ और जो भी इशू हो वो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। प्राइस और बाकी डिटेल्स के लिए डीएम ऑन इंस्टाग्राम, और जो लोग YouTube को लेकर काफी सीरियस है वो ही डीएम करना, टाइम पास करने वाले रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना। नाउ बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहली बात ये कि आपको स्पेस से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए कॉपीराइट फ्री वीडियोस कहां से मिलेगी, और क्या कोई ऐसी साइट भी है जहां से हमें कॉपीराइट रॉयल्टी फ्री वीडियोस मिल जाए और YouTube पर कॉपीराइट भी ना आए? जी हां, बिल्कुल है। आप गूगल पर जाकर टाइप कीजिए नासा कॉपीराइट फ्री वीडियोस, और आपको ये फर्स्ट वाली साइट ओपन कर लेनी है जो ऑफिशियल नासा की साइट है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक 100% कॉपीराइट फ्री साइट है जो पब्लिक डोमेन में है, और यहां से आप इमेजेस, वीडियोस और साउंड्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस और वीडियोस मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप सर्च बार देख सकते हैं, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जिससे रिलेटेड भी वीडियो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया मून और फिर सर्च किया, और यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे एज यू कैन सी। अब यहाँ साइड बार में आप इमेज, वीडियो और ऑडियो वाला फिल्टर देख सकते हैं। तो अगर सिर्फ वीडियो चाहिए तो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर सिर्फ इमेजेस चाहिए तो इमेज वाला फिल्टर लगा दीजिए। और नीचे इसी तरह आप ईयर वाला फिल्टर भी इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी पुरानी या नई वीडियोस यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आप टाइम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बस फिर शो रिजल्ट्स पर क्लिक कीजिए, और आपको यहाँ पर बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस इमेजेस मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पर सर्च बार में कुछ भी सर्च कीजिए स्पेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर कैटरीना कैफ सर्च मत करना, वो नहीं मिलेगी, नासा है तो बस स्पेस से रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया मार्स, और बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर आ चुकी है एज यू कैन सी। अब मुझे यहाँ से कोई भी एक वीडियो चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूंगा और ये वीडियो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वीडियो क्वालिटी भी चूज कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए, और बस फिर इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ नीचे की तरफ मिल जाएगा एज यू कैन सी। इस वीडियो में साउंड्स भी होगा और वॉइस ओवर भी होगा, या फिर सिर्फ साउंड वाली वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कोई वॉइस ओवर ना हो, और बाद में अपना अलग से वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं जो मैं अभी आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब आपके मन में अगर कॉपीराइट का सवाल आ रहा है तो यहाँ पर यूसेज गाइडलाइंस में जाकर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं इन कॉपीराइट पॉलिसी के बारे में कि सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में है और 100% कॉपीराइट फ्री है। तो खुद जाकर आप ये पढ़ सकते हैं क्योंकि मोस्टली हम ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना रहे हैं, तो किसी भी तरह का अलग से कमर्शियल लाइसेंस या फिर क्रेडिट देने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने गूगल पर भी जाकर इन वीडियोस का यूट्यूब यूसेज करने के बारे में अलग से पढ़ा, और आप ये भी रिजल्ट देख सकते हैं कि इसमें भी मुझे रिप्लाई मिल गया कि ये कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट है। तो ये सब आप खुद भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, 100% लेजिट और बिना किसी भी इशू के आप यहाँ से कॉन्टेंट ले सकते हैं।
अपनी वीडियोस के लिए। चलिए तो अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसे रैंडमली हम सर्च क्या करेंगे इस साइट पर आकर, और व्हाट इफ कि आपको कुछ समझ ही ना आए कि क्या सर्च करना है, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप आ जाइए चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर चैट जीपीटी को आप कोई भी प्लैनेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देने बोल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉम्प्ट दिया गिव मी 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मार्स, और चैट जीपीटी ने मुझे फैक्ट्स दे दिया जैसा कि आप देख सकते। इसी तरह आई सर्च गिव मी सम अननोन फैक्ट्स अबाउट मून, और ये भी मुझे मिल गया। तो इस तरह यू कैन सर्च एनीथिंग लाइक दिस। अब आपको यहाँ से फैक्ट्स तो मिल जाएंगे, आपको इससे रिलेटेड वीडियोस कैसे मिलेगी? तो सिंपली आपको यहाँ से ये फैक्ट का कीवर्ड कॉपी करना है और वापस नासा की साइट में जाकर इसे सर्च करना है, और आपको रिलेटेड वीडियोस और इमेजेस भी मिल जाएगी। मोस्टली सारे कीवर्ड से रिलेटेड जो भी स्पेस से रिलेटेड हो उसका कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कॉन्टेंट की कमी आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब अपनी स्क्रिप्ट के लिए आप चैट जीपीटी से ही इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी वीडियो डाउनलोड करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट मिल जाएगी उस वीडियो से रिलेटेड जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसे भी यहाँ से कॉपी करके एक वर्ड डॉक में रख सकते हैं और इसे अपनी स्क्रिप्ट बनाकर वॉइस ओवर कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में आप चाहे तो थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इस स्क्रिप्ट के लिए आपको वॉइस ओवर करना है जिससे कि वीडियो मोनेटाइज भी हो सके। अगर इस वीडियो को एज इट इज सिंपली कॉपी पेस्ट करके ही अपलोड कर दिया तो मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इन वीडियोस पर आप अपना खुद का वॉइस ओवर करो, ना कि AI का, क्योंकि ये कॉन्टेंट भी आपका नहीं है, वीडियो भी आपकी नहीं है, इसलिए आप अपनी खुद की आवाज यूज कीजिए। और AI वॉइस ओवर के लिए जो टूल मैं आप लोगों को बताने वाला था 11 लैब्स का अल्टरनेटिव, वो मैं आपको थर्सडे वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद उस टूल को प्रॉपर टेस्ट कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं लोगों को फाइनली वो रेकमेंड कर पाऊं। लेकिन ऐसी स्पेस वीडियोस पर मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप अपना खुद का वॉइस ओवर करें अगर वीडियो मोनेटाइज करनी है तो। चलिए तो अब हमारे पास पूरा कंटेंट तो आ चुका है, अब हमें इन सब चीजों को असेंबल करना है एक प्रॉपर वीडियो में। तो इसके लिए हम चलते हैं कैपकट पर, और यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्ट पर क्लिक करके अपनी वीडियो और वॉइस ओवर वाली फाइल लेकर आ जाएंगे, और आप एक एक करके दोनों फाइल ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे। अब इन वीडियोस का बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसमें कोई भी एडिटिंग की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस ऐसे ही बहुत सही होती है। बस आपको इस वीडियो में से कोई भी अगर अननेसेसरी पार्ट रिमूव करना है तो उसे स्प्लिट करके आप डिलीट कर दीजिए, और अपने वॉइस ओवर के हिसाब से अगर किसी क्लिप को एडजस्ट करना है, उस क्लिप की स्पीड कम ज्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं करना है, कोई इफेक्ट्स ऐड नहीं करने, कोई फिल्टर ऐड नहीं करने, बस ये वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। और एक बात, मैं इस वीडियो का साउंड भी म्यूट नहीं करूंगा, इसे मैं ओरिजिनल साउंड यूज करूंगा और इसे एज इट इज यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कोई कॉपीराइट नहीं है। बस अब इसे एक्सपोर्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और यूट्यूब पर इसे एज इट इज अपलोड कर देंगे, एंड दैट्स इट। ये वीडियो मैं आपको अभी प्ले करके भी दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल सके ये ओरिजिनल वीडियो है और वॉइस ओवर के साथ ये कितनी बढ़िया लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और कोई इशू या सवाल हो तो कमेंट और DM ऑन Instagram। नाउ लेट्स गो टू मार्स। क्या आप जानते हैं कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर साउंड्स पृथ्वी की तुलना में अलग तरह से काम करते हैं? मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में अलग है, इसलिए इस लाल ग्रह पर आवाजें थोड़ी अलग और अधिक दबी हुई होंगी। यहां का वातावरण ठंडा है जिससे साउंड ट्रैवल स्लो हो जाता है। यहां के वातावरण में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आवाजों को और अधिक दबी हुई बना देता है। अब आप जानिए कि एक साइकिल की घंटी पृथ्वी और मंगल पर कैसी सुनाई देगी। इसी तरह समंदर की लहरों का साउंड डिफरेंस भी आप सुन सकते हैं। नासा के मार्स परसिवियरेंस रोवर में दो माइक्रोफोन हैं जो मार्स पर आवाजें रिकॉर्ड करते हैं। फरवरी 2021 में अपनी लैंडिंग के बाद से रोवर ने डस्ट, हेलीकॉप्टर और रॉक्स जैसी आवाजों को कैद किया है। एक सेवेंथ ग्रेड का बच्चा पृथ्वी पर और मार्स पर कैसा साउंड करेगा, ये आप सुन सकते हैं। We are a species of explorers and we will meet many setbacks on the way to Mars. However, we can persevere. We, not as a nation, but as humans, will not give up. The human race will always persevere into the future.